प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिजार्ड और आपका स्वागत है लॉजिक गुरु में। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, लॉजिक गुरु चैनल पे हमने आपके पटवारी, सब इंस्पेक्टर और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे PSC वगैरह है, के लिए हमने 2020 क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई है, जिसमें अभी जो आपकी सीरीज चल रही है वो है आपके करंट अफेयर्स के पार्ट के। और करंट अफेयर, जैसे कि आपको पता ही है, हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है। तो हमने आपके लिए 2020 क्वेश्चंस के जुलाई पे सीरीज बनाई है, जिसका एक वीडियो हम आपको शेयर कर चुके हैं। आज जो हमारी बारी है वो है जुलाई पार्ट 2 की, ठीक है। इसके अन्य वीडियो भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से मिलते रहे, तो प्लीज हमारे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल को सबसे पहले करें सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जुलाई की सीरीज, ठीक है। इसी तरह हमारे कई और वीडियो भी हैं, आपको बता दूं, ज्योग्राफी पे, MP पे, और आपकी कई वीडियो आपके लिए और प्रोवाइड करें, जैसे पंचायती राज है जो पटवारी वगैरह में काम आने वाले हैं, सब इंस्पेक्टर में इंग्लिश वगैरह, रीजनिंग वगैरह पे भी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और वीडियो हमारे देखते रहें, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग जुलाई 2017 के पार्ट 2 वीडियो पे। पहला क्वेश्चन है, किस हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। तो अभी ये बड़ी न्यूज है, ठीक है। जैसे कि आप जानते ही हैं, सिनेमाघरों में जैसे आपका राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर दिया गया था, जैसे ही मद्रास हाई कोर्ट ने स्कूलों में सप्ताह में 2 बार वंदे मातरम गायन अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। तो देखें भैया आपके कौन से थे, और वो आपका मद्रास हाई कोर्ट है, ठीक है। चले तो ध्यान रखें, न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अनुसार भारत की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो नीति आयोग के अनुसार कितने प्रतिशत वृद्धि दर होगी यानी GDP की, तो वो है 7.5%, ठीक है। अगर ये IMF या आपका और किसी WTO की संस्था है तो 7.5 के आसपास ही लगाएं, ओके। तो ये नीति आयोग के अनुसार थी। और देखते हैं मैडम, तुसाद संग्रहालय में, जैसे कि आप जानते हैं, या मोम के संग्रहालय या मोम की मूर्तियां यहाँ पे स्थापित की जाती है, विभिन्न क्षेत्रों से प्रसिद्ध व्यक्तियों की, शाहरुख खान वगैरह की भी स्थापित की गई है जो कि लंदन में है। तो अभी किस अभिनेत्री की प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की है मैडम तुसाद संग्रहालय ने? तो देखते हैं हम लोग आंसर इसका, और वो है मधुबाला, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान किस सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? ओके, तो देखते हैं किस सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की है, और वो है झारखंड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेट, जो कि गूगल की एक पेरेंट कंपनी है, का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देखते हैं, तो वह सुंदर पिचाई, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं गूगल के CEO हैं, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नियुक्त किया गया है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह संस्था जिसने चाय पत्ती की पैकेजिंग में स्टेपलर का प्रयोग नहीं किए जाने का निर्देश जारी किया, जैसे कि हम जानते ही हैं टी बैग में स्टेपलर पिन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये कहीं आपके कप में गिर जाए और इससे आपको हानि ना पहुंचे स्वास्थ्य को, इसलिए इस संस्था ने केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार टी बैग में स्टेपलर पिन का उपयोग पर पाबंदी लगा दी है, ठीक है, जो कि आपके जनवरी 2018 से आपका लागू हो जाएगी। तो देखते हैं किस संस्था ने इस पर पाबंदी लगाई है, और वो है FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे अरुण जेटली, जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं देश के, का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो आइए आंसर देखते हैं, और वो है सौरभ शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने भारत को आतंकवाद से प्रभावित तीसरा सबसे बड़ा देश घोषित किया है? तो देखते हैं किस देश की संसद ने घोषित किया है, और वो है अमेरिका, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 9, केंद्र सरकार द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का आधार पर IIT संस्थान शुरू करने के लिए यह विधेयक पारित किया गया। तो देखते हैं कौन सा विधेयक पारित किया है PPP पर आधारित, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित IIT संस्थान शुरू करने के लिए, और वह है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संस्थान विधेयक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RT राइट टू एजुकेशन विधेयक के अनुसार शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण करने की समय सीमा रखी गई है? तो देखते हैं कितने
समय सीमा रखी गई है शिक्षकों के लिए ताकि वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, और वो है 31 मार्च 2019। नेक्स्ट, केंद्र ने किस शहर में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी दी है? ठीक है, चलिए, जैसे कि हम जानते हैं चावल अनुसंधान संस्थान हमारे कटक में है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है, और यह है आपका वाराणसी में। ठीक है, चलिए, तो ये दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र को स्थापित करने की कहां पर मंजूरी दी है? वाराणसी। ओके, नेक्स्ट, आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? ठीक है, जैसे जानते हैं हम विशेष क्षेत्र के आपके सचिव होते हैं, आर्थिक मामलों के सचिव, गृह सचिव। ठीक है, तो देखते हैं आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो वह है आपके सुभाष चंद्र गर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर, 12वीं की परीक्षा में सर्वोच्च नंबर लाने पर प्रणव मुखर्जी शैक्षणिक उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए किस छात्र को सम्मानित किया गया है, और वो है अमन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की विधानसभा में विस्फोटक PETN प्राप्त हुआ है? ठीक है, जैसे हम जानते हैं प्लास्टिक विस्फोटक था ये। ठीक है, तो किस विधानसभा में रखा गया था, तो वो था आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में भारत के राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, जैसे कि दोस्तों जानते हैं विभिन्न देशों में भारत के राजदूतों के बारे में बहुत जानकारी पूछी जाती है, तो आप भारत के आसपास के देशों के राजदूतों के बारे में जानकारी जुटा लें, क्योंकि पूछा जाता था इंपॉर्टेंट। देखें इंडोनेशिया में भारत के राजदूत कौन है, एम्बेसडर कौन है, वो है प्रदीप कुमार राउत। ठीक है, आइए, भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखें भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है, और वो है रवि शास्त्री। नेक्स्ट है, पहली बार किस देश ने लड़कियों के स्कूलों में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है? तो देखें कहां पे फिजिकल एजुकेशन देने का फैसला किया है किस देश ने, और वह है सऊदी अरब। ठीक है, चले, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को खत्म कर बड़ा राज्य स्तरीय सहकारी बैंक बनाने का फैसला किया? जैसे जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, और ये आपका इसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बनाने का फैसला किया है, तो देखिए किस सरकार ने किया है, तो वह है आपके छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका के इस स्थान पर चीन ने सैन्य ठिकाना स्थापित करने के उद्देश्य से अपने सैनिकों की तैनाती की है? जैसे कि हम जानते हैं अभी चीन और भारत का विवाद, भूटान विवाद बहुत ज्यादा चल रहा है, तो चीन विवाद पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, चाहे वो थंबनतोटा वाला हो या डोकलाम रीजन हो भूटान का, थंबनतोटा आपका श्रीलंका वाला, तो देखें भाई अफ्रीका में किस जगह सैन्य ठिकाना स्थापित करने के लिए उन्होंने सैनिकों की तैनाती की है, तो वह अफ्रीका के जिबूती में। लास्ट पॉइंट, किस देश ने विवादास्पद आतंकवाद निरोधक बिल पारित किया है? तो देखें किस जगह किस देश में आया है आतंकवाद निरोधक बिल, और वह है आपके फ्रांस। तो दोस्तों ये थे हमारे जुलाई के करंट अफेयर का सेकंड वीडियो, इसी तरह आपको जुलाई पे और वीडियो भी आएंगे ताकि आपकी जुलाई का करंट अफेयर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको किसी भी एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो हमारे दोस्तों अगर आपका वीडियो हमारा अच्छा लगा, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।